चलिए, कल पिछले क्लास में हमने आयंस के बारे में पढ़ाए थे, आयंस का टाइप भी बताए थे और आयंस कैसे बनते हैं। आयंस में दो प्रकार पढ़ाए थे, एक कैटायन होता है और एक एनायन, यानी एक धनायन और एक ऋणायन। इलेक्ट्रॉन त्यागने से धनायन बनता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्या बनता है, ऋणायन बनता है। इसका पूरे डिस्कस किए थे और इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागता है, इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करता है, इसके बारे में भी चर्चा किए थे। आज दोनों की खासियत विशेषता के बारे में पढ़ना है। धनायन का क्या विशेषता होता है, पहले इसके बारे में चलेंगे। किसकी विशेषता, धनायन का, यानी फीचर ऑफ केटायन। किसका पढ़ना है, केटायंस का फीचर, इसमें कौन कौन सा विशेषताएं होता है, समझ रहे। तो सबसे पहली बात ये जानना है केटायन पर कौन सी चार्ज होता है, केटायन पर कौन सी चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पहली बात हो जाएगा कि केटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई दिक्कत है, केटायन पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद केटायन, दूसरी बात, जब केटायन कहीं प्राप्त होगा तो प्राप्त होने का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग करना। यानी यदि केटायन बन जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, घट जाएगा। केटायन बनने से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, घट जाता है। तो यहां पर यह भी बोल सकते हैं कि केटायन पर, केटायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है, संख्या क्या होता है, कम होता है। कोई मूल तत्व से जो ओरिजिनल एलिमेंट था उसके तुलना में उसके केटायन पर कम इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कि समझिए, हम सोडियम की बात करते हैं, Na, और Na में केटायन कैसे बनता है, Na प्लस और E, जानते हैं ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 11, कितना होगा। अब यहाँ केटायन बन गया तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, 10, एगो निकल गया ना। तो बताइए केटायन में अपने ओरिजिनल से इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा है, कम है, घट गया, क्या हो गया, घट गया। तो ये भी केटायन का विशेषता होता है कि उसमें अपने ओरिजिनल स्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें, केटायन में। तो केटायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है, याद रहेगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, जैसे कि CA है, CA में केटायन कैसे बनता है, Ca2 प्लस और 2E बाहर। तो इसमें N बराबर कितना होता है, 20, कितना होता है, 20 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर N बराबर कितना है, 18 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम गया। चलिए ठीक है, तीसरा खासियत क्या देखेगा, जानिएगा, जब कोई भी केटायन बनता है तो उसके परमाणु संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता है, अपरिवर्तित रहता है। यानी केटायन बनने पर, केटायन क्या हो गया, बनने पर परमाणु संख्या, कौन सी संख्या, परमाणु संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित, परिवर्तित रहते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है, जो है वही रहता है। जैसे कि समझिए, मान लेते हैं Mg है, क्या है, Mg, Mg में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, मैग्नीशियम को पढ़ते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, Mg में इलेक्ट्रॉन होगा 12, क्या होगा, N बराबर 12 हो गया, कोई दिक्कत। अब यहां बना है Mg से क्या बनेगा, Mg है, Mg से क्या बनेगा, Mg 2 प्लस और यहां पर 2E होगा, Mg 2 प्लस और क्या होगा, 2E बनेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन घट गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, घट गया। लेकिन परमाणु संख्या की बात करते हैं, परमाणु संख्या इसमें कितना होगा, परमाणु संख्या जेड बराबर 12, Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, और इसमें भी जेड बराबर क्या रहेगा, 12 ही रहेगा, क्योंकि परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या, क्या होता है, तो प्रोटॉन नहीं निकल रहा है, निकल रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, निकल रहा है कौन,
लेकर, जैसे कि देखिएगा Mg जब लिए हैं तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है और 10 प्रोटॉन होता है, ठीक है, यानी 10 को माइनस वाला हो गया और 10 को क्या हो गया प्लस वाला हो गया, तो इस पर कोई चार्ज नहीं, सॉरी 12 है ना, 12 माइनस वाला, 12 क्या हो गया प्लस वाला, तो इस पर क्या होगा कोई चार्ज नहीं होगा, कोई दिक्कत। Mg की हम बात करते हैं 12 इलेक्ट्रॉन और 12 क्या होता है प्रोटॉन होता है, तो जितना माइनस वाला उतना ही प्लस वाला, तो माइनस प्लस न्यूट्रल नो चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन यदि निकल गया तो Mg 2 प्लस हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, तो इसमें क्या होगा n बराबर 10 हो गया और p बराबर क्या रह गया 12 रह गया, तो माइनस वाला 10 हुआ प्लस वाला 12 हुआ। अब बताइएगा 10 को माइनस वाला 10 को प्लस वाला कैंसिल हो गया, 2 को प्लस वाला एक्स्ट्रा बच ही जाएगा ना, इसलिए 2 प्लस लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है 2 प्लस। तो बताइए एलिमेंट से आयंस बन गया तो क्या प्रोटॉन की संख्या में कोई कमी आया है, नहीं ना आया है, प्रोटॉन की संख्या में कोई कमी नहीं आया, तो एटॉमिक नंबर में भी कोई बदलाव क्या होगा नहीं होगा, इसलिए क्या लिखाए थे कि केटायन बनने पर परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहते हैं, परमाणु संख्या क्या रहते हैं अपरिवर्तित, कोई दिक्कत है, चलिए ठीक है, ये सब समझाए थे। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या लिखिएगा, देखिए 4 नंबर में केटायन का आकार छोटा होता है, केटायन का आकार क्या होता है किससे, केटायन का आकार मूल तत्व से, किससे रहेगा मूल तत्व से क्या होता है छोटा होता है, या मूल परमाणु से, छोटा होता है। अब होगा भी क्यों नहीं, कोई चीज से 2 एरर निकल गया तो उसका तो आकार ऐसे भी क्या होगा छोटा ही हो जाएगा ना, कोई झोला में ढेर सारा आम रखा हुआ है तो आम जब ढेर सारा रखा हो तो झोला तो एकदम फैला हुआ रहेगा, 5 आम निकाल दीजिएगा तो उसका आकार छोटा होगा कि बड़ा हो जाएगा, छोटा क्यों उतने रहेगा छोटा हो जाएगा ने? तो केटायन का भी यही काम होता है, केटायन से इलेक्ट्रॉन, केटायन बनने का कारण है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उसका आकार क्या हो जाएगा छोटा हो जाता है, कोई दिक्कत, इसमें तो ज्यादा समझाने की जरूरत है ही नहीं। अगला पॉइंट क्या देखिएगा, केटायन ज्यादातर के धातु ही बनाते हैं, क्या बनाते हैं धातु का मतलब मेटल, क्या हो गया धातु, यानी धातु परमाणु से, धातु परमाणु से केटायन बनते हैं, धातु परमाणु का मतलब हो गया मेटोलिक एटम, मेटोलिक एटम से क्या बनता है केटायन बनता है, जैसे कि अभी समझिए Na से बना है Na प्लस, सोडियम क्या है मेटल है कि नॉन मेटल है, सोडियम क्या है मेटल है, तब Mg से बनता है Mg 2 प्लस और 2, Mg क्या है मेटल है, Al से बनता है Al 3 प्लस और 3e, एल्युमिनियम क्या है मेटल है, उसके बाद देखिएगा Fe से बनता है Fe 2 प्लस 2e, आयरन क्या है मेटल है, Cu से बनता है Cu प्लस और e, कॉपर क्या है मेटल है, Cu प्लस और Cu 2 प्लस भी बनता है, तो ज्यादा करके केटायन कौन बनाते हैं मेटल बनाते हैं, याद रखना है ज्यादा करके क्या बनाते हैं मेटल, कुछ एक्सेप्शन में भी आता है, कुछ किसमें आता है एक्सेप्शन जानते हैं अपवाद, कुछ अपवाद में भी चलते हैं, अब अपवाद में क्या चलेगा जैसे कि देखिए क्या, हाँ जैसे H प्लस आयन ये मेटल नहीं है ये नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, H प्लस आयन NH4 प्लस आयन, सही बोले, इसको क्या पढ़ते हैं NH4 प्लस आयन को, बताइए
अमोनियम आयन, क्या पड़ेगा अमोनियम आयन। तो ये भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, दोनों नॉन मेटल है। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल और हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है, और ये भी नॉन मेटल। तो कुछ जो होते हैं वो नॉन मेटल से भी आयन, पॉजिटिव आयन बनते हैं, लेकिन ज्यादातर किससे बनता है, मेटोलिक एटम का बनता है। ज्यादा करके पॉजिटिव आयन किससे प्राप्त होता है, मेटोलिक एटम से, यानी धातु परमाणु से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ठीक है, नोट कीजिए, इसको रोक दीजिए, रोक दीजिए इसको। देखिए रिनायक की कौन कौन सी विशेषता है, खासियत, हम इसके बारे में जानना है। सबसे पहली बात, रिनायन का आकार, रिनायन जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। तो रिनायन में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली बात। रिनायन में क्या होता है, इसको इसमें एनायन बोलते हैं। एनायन में मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली पॉइंट हो जाएगा, समझना कैसे, देखिए जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तब होगा एफ बी माइनस बनता है, पता है ना, एफ उससे फ्लोरीन होता है, इसमें एन बराबर 9 होता है, ये बन गया तो एन बराबर क्या हो गया, 10 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया। ऑक्सीजन है ओ में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो 2e क्या होता है, माइनस होता है। अब 2 क्यों जुड़ता है, ये डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। एन बराबर यहाँ पर क्या है, 8 है, यहाँ पर एन बराबर क्या है, 10 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तब बना O2 माइनस। एनायन बनने से, यानी एनायन बनने से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। तो एनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, कोई दिक्कत है। दूसरी पॉइंट क्या हो सकते हैं, इस पर कौन सा चार्ज होगा, एनायन पर कौन सा चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ, तो एनायन पर कौन सा चार्ज होता है, एनायन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दिख ही रहा है कि कौन सा चार्ज है, नेगेटिव माइनस वाला, उसी को नेगेटिव चार्ज करते हैं। एनायन पर कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज होता है। तीसरी पॉइंट क्या कर सकते हैं, एनायन बनने से उसके परमाणु संख्या पर कोई असर क्या होता है, नहीं होता है, यानी एनायन बनने से परमाणु संख्या क्या रहते हैं, परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। यानी एनायन यदि बन रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे कि समझिए ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, सुन लीजिए ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा ये बताइए, 8 होता है n बराबर, प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 8 ही रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, क्योंकि ये न्यूट्रल है ना, अब प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तब होगा यहाँ पर O माइनस माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर O2 माइनस बनेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया, लेकिन प्रोटॉन की संख्या 8 का क्या रह गया, 8 ही रह गया, यानी प्लस वाला 8 को माइनस वाला 10 को, तो 8 को 8 को प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2 को एक्स्ट्रा माइनस वाला क्या हो गया, बच जाएगा, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया लेकिन प्रोटॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया, अर्थात प्रोटॉन की संख्या को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो एटॉमिक नंबर में भी कोई बदलाव नहीं आता है। तो एनायन बनेगा तो एटॉमिक नंबर में कोई बदलाव क्या होगा, नहीं आएगा, जो है वही रहेगा, कोई दिक्कत है। चलिए चौथा नंबर में क्या लिख सकते हैं और इसका कोई फीचर बताइए, एनायन का आकार बड़ा हो जाता है, क्या होता है, बड़ा, किसे बड़ा, मूल परमाणु से। तो एनायन मूल परमाणु से क्या होते हैं, बड़ा होते हैं, या तो एनायन का आकार कर दीजिए
मूल परमाणु से बड़ा होता है। एनायन का आकार मूल परमाणु से क्या होता है? बड़ा होता है। होगा क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहा है। जैसे 10 8 को था, 10 को हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो आकार क्या हो गया? बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। अब थैला में माले एक दो एक क्या रखते हैं पॉकेट में, क्या डाल लेके चलते हैं? खाने पीने वाला भुंजा। चले एक मुट्ठी भुंजा रहे तो पॉकेट का आकार, थैला का आकार कम रहेगा, और दो मुट्ठी रख लिया तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ रहा है, जुड़ रहा है, तो आकार क्या होता है? बढ़ता है। आकार क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और कोई पॉइंट बताइएगा। एनायन ज्यादा करके कौन बनाते हैं? अधातु परमाणु बनाते हैं ज्यादातर। कौन सा बनाते हैं? अधातु परमाणु बनाते हैं। हो गया। तो अधातु जो परमाणु होते हैं यानी नॉन मेटालिक एटम, ये एनायन बनाता है। से एनायन बनते हैं। से एनायन क्या होते हैं? बनते हैं। तो एनायन किससे बनते हैं? नॉन मेटालिक एटम से बनता है। जैसे कि देखिएगा क्लोरीन है, ये नॉन मेटल है, पता है? इसमें इलेक्ट्रॉन जुट गया, सीएल क्या हो गया? माइनस। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये नॉन मेटालिक है, नॉन मेटल है, जुट गया वो तो क्या हो गया? माइनस। ब्रोमीन है, ये नॉन मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन जुट गया, बी आर क्या हो गया? माइनस। दिक्कत। और क्या नॉन मेटल में बहुत सारा है। उसके बाद मान लेते हैं अब ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये भी नॉन मेटल है, एक जुड़ गया तो क्या हो गया? आई माइनस हो गया। आई क्या हो गया? माइनस। कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट क्या देखिएगा कि एनायन का जो गुण होता है, एनायन का गुण मूल तत्व से मूल परमाणु से क्या होते हैं? मूल परमाणु से अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। मूल परमाणु से क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है। एनायन का जो गुण है मूल परमाणु से बिल्कुल अलग हुआ। कैसे बिल्कुल अलग हुआ? जैसे कि देखिएगा Cl में यदि इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो Cl माइनस बनाएगा। Cl को हम क्लोरीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरीन कहते हैं। और Cl माइनस को क्या पढ़ते हैं? क्लोराइड कहते हैं। ये क्या हो गया? क्लोराइड। तो Cl क्लोरीन है और Cl माइनस क्या है? क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है। अब दोनों का गुण अलग कैसे होता है? तो क्लोरीन सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का नाम सुने होंगे, नहीं सुने? नाम खाए होंगे, भी रोज खाते होंगे नमक। सोडियम क्लोराइड का नाम क्या है? साधारण नाम नमक है। तो क्लोरीन सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, लेकिन क्लोराइड आयन सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है। सोडियम से अभिक्रिया क्या करता है? नहीं करता है। क्यों करेगा भी? क्योंकि क्लोराइड में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बढ़ गया। और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, भाव बढ़ गया, नहीं भाव बढ़ जाएगा तो सोडियम सोडियम से क्या अभिक्रिया करेगा? नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो इसका एक खासियत होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नोट कर लीजिए, हल्का ही है सर।